नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे शिक्षक नियोजन को लेकर। बिहार में शिक्षक नियोजन को लेकर गड़बड़ियों का मामला सामने आ रही है। वर्तमान में जिन अभ्यर्थियों का नियोजन हो चुका है और जिनके सर्टिफिकेट जमा ले लिए गए हैं, उनमें ज़्यादातर जिलों में नियोजन इकाइयों के चयन अभ्यर्थियों की सूची NIC की साइट पर डाल दी गई है, लेकिन कई जिलों में यह सूची पूरी तरह से नहीं अपलोड की गई है। जहां की सूची पूर्ण तरीके से नहीं डाली गई है, वहां धांधली की पूरी आशंका जताई जा रही है। ऐसे में अब नियोजन इकाइयों को निर्देश दिया गया है कि चयनित उम्मीदवारों के नाम के साथ उनके पिता का, पति का नाम, जन्मतिथि, आरक्षण, कोटी और मेघा अंक की सूची भी डालना है। कई नियोजन इकाइयों के दिशा निर्देश पूरी जानकारी अपलोड की गई है, लेकिन कई जिले ऐसे हैं जहां पे सूची अधूरी है। जैसे कि भोजपुर की सूची पर गौर करें तो उसमें नियोजन इकाइयों के नाम, अभ्यर्थियों के नाम, पिता और पति का नाम, लिंग की जानकारी दी गई है, लेकिन मेघा अंक, आरक्षण और कोटी चयन की कोटी की जानकारी नहीं दी गई है। बता दें कि शिक्षकों के द्वारा पोर्टल पर जारी किए गए डिटेल में मैट्रिक के अंक प्रतिशत, इंटर के अंक प्रतिशत, बीएड का अंक प्रतिशत, प्रशिक्षण महाविद्यालय का नाम आदि भी डालना था, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसे देने से छुपाया है। लेकिन जिन इकाइयों में कई खास जानकारी को छिपाया गया है, उस पर विभाग की कड़ी नज़र है, लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि विभाग ऐसी नियोजन इकाइयों पर क्या कार्रवाई करेगा। बिहार में साल 2006 से लेकर 2015 तक के बीच में सरकारी स्कूलों में, पंचायती राज संस्थानों और नगर निकायों में अपॉइंटमेंट हुए टीचरों की डिग्री के मामले में बड़ी कामयाबी मिली है। राज्य के करीब 95% से अधिक टीचरों ने NIC से के स्पेशल पोर्टल पर जानकारी अपनी डिग्री जमा कर दी है। जिन टीचरों ने अभी तक डिग्री पोर्टल पर जमा नहीं की है, उनके लिए बुरी खबर सामने आई है। अब टीचरों के डॉक्यूमेंट जमा करने की तारीख भी समाप्त हो चुकी है। ऐसे में 4187 शिक्षकों ने डिग्री अपलोड नहीं किया है। उम्मीद की जा रही है कि छूटे हुए शिक्षकों को दोबारा 3 से 4 दिनों तक डिग्री जमा करने का मौका दिया जा सकता है। आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर पिछले 6 साल से, यानी कि 2006 से लेकर 2015 के बीच में हुई नियुक्तियों में शिक्षकों की डिग्री की जाँच की जा रही थी। बताया जा रहा है कि कई शिक्षकों के फोल्डर नियोजन फोल्डर में नहीं मिल रहे हैं। इससे करीब 95% टीचरों ने दिए गए समय के अंदर अपलोड कर दिए हैं। इसके अलावा अभी करीब 4000 से अधिक टीचरों की डिग्री अपलोड होने से बाकी रह गई है। यह पहले से स्पष्ट किया जा चुका है कि जो भी टीचर अपनी डिग्री अपलोड नहीं करेंगे, उनको टीचर के सर्विस से, यानी कि उनके नौकरी से हटा दिया जाएगा। आपको बता दें कि 21 जून से लेकर 20 जुलाई तक की डिग्री अपलोड करने का समय दिया गया था, जिसमें करीब 85,687 टीचरों ने अपने प्रमाण पत्र अपलोड किए हैं। तो ये थे शिक्षकों के नियोजन को लेकर, शिक्षकों के डिग्री जमा करने को लेकर मामला। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।